अगर ये ना होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। क्या बात है? मैं यहाँ स्टैंड नहीं होती आज। सत श्री अकाल, मेरा नाम देविंदर कौर है, मैं पंजाब होशियारपुर की रहने वाली हूँ। मैं टीचिंग लाइन में थी, मैं स्कूल में जॉब करती थी, 4 साल मैंने जॉब की है डिप स्कूल हरियाणा में। मेरी एक्चुअली किसी वजह से मेरी जॉब चली गई, तो अब मैंने ये खाने का बिजनेस शुरू किया है। मेरा ये काम बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा ये शौक होता था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊँ सबको पसंद आए, तो मैंने ये डोसे का काम शुरू किया है। हमारे यहाँ पर इडली, डोसा, सांभर वड़ा, मूंग दाल के पकौड़े, माँ की दाल के पकौड़े और वेजिटेबल पुलाव, ये 6 आइटम हैं, हर टाइम अवेलेबल रहती है हमारे। मैं आज आपको वेजिटेबल डोसा खिला रही हूँ। हमारी टाइमिंग दोपहर 2 बजे से लेके नाइट 9 बजे तक है। क्लॉक टावर से जो रेलवे रोड को जो रास्ता जाता है, नियर सिंह सभा गुरुद्वारा और नियर पार्किंग, राज सिनेमा होता था यहाँ पर, उसके एकदम फ्रंट में पार्किंग के सामने हम शाम को रोज़ दोपहर में डोसा लगाते हैं। बन के रेडी हो चुका है अब डोसा। ये देखो, ये नारियल की चटनी है और ये स्वीट इमली की चटनी, मीठी चटनी, ये गर्मा गर्म सांभर। ये डोसे की प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है, तो इसको करते हैं जी टेस्ट और आपको बताते हैं। तो इनका बेटा भी साथ में है जी, ये जी है। ये मेरे साथ, इसके साथ ही मैं पूरा काम करती हूँ। अगर ये ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, हमेशा हर वक्त मेरे साथ ये है। तो ये जी गर्मा गर्म डोसे की प्लेट हमारे पास आ गई है। वेजिटेबल डोसा बड़ा ही स्पेशल है, तो अंदर की मैं आपको फीलिंग भी दिखा देता हूँ, बाकी मेकिंग तो आपने देखी है। ये देखिए जी, अंदर फीलिंग देखिए, क्या ही बात है। करते हैं इसको टेस्ट। और इन्होंने साथ में सर्व किए जी नारियल की चटनी, सांभर है और इमली वाली चटनी स्पेशल है इनकी, उसके साथ सर्व किया है। करते हैं जी इसको टेस्ट। थोड़ी नारियल की चटनी लगाता हूँ, थोड़ी इनकी इमली की चटनी लगाता हूँ मैं। इमली की चटनी एक अलग ही फ्लेवर दे रही है साथ में, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसके साथ। एक और बाइट टेस्ट करता हूँ। ये जो इनका मसाला बना हुआ है ना, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है मसाले का। मसाले की कोई इन्होंने कमी नहीं रखी, जो आलू का मसाला अंदर डाला है, बर्बर के मसाला डाला है और बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है उसका, बड़ा मज़ेदार फ्लेवर है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ, 60 रुपीज़ में बिल्कुल वर्थ है जी। बहुत ही यम्मी डोसा है, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को डोसा ये वाला। तो एक बार होशियारपुर आ रहे हैं और जहाँ होशियारपुर के आसपास हैं, तो ये दीदी का डोसा एक बार ज़रूर ट्राई करना जी, बड़ा ही मज़ेदार डोसा है और 60 रुपीज़ इसका प्राइस है, बिल्कुल वर्थ है। इनकी लोकेशन है जी क्लॉक टावर से जो रेलवे रोड जा रही है जी, राज सिनेमा था उसके सामने ही बिल्कुल इनका कार्ड लगता है जी, क्लॉक टावर टू रेलवे रोड जा रही जो। तो मैं लोकेशन वीडियो के नीचे भी डाल दूँगा और इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह सब डाल दूँगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह एक बढ़िया वीडियो जायके की लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस फूड का एंजॉय कर सकें। जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तो हमने 80 रुपीज़ डोसा स्टार्ट किया था। 80 रुपीज़ में हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था, मगर कभी कभी कोई कस्टमर आता था, रेट पूछ के चले जाते थे कि रेट ज़्यादा है, तो हम यही सोचते थे कि वो रेट की वजह से चला गया, मगर उसका खाने का मन था, वो 80 रुपीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसने पूछ के ही चला गया। मैं और मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है, ये 10th क्लास पढ़ रहा है यहाँ पर अभी, और मेरे साथ पूरा टाइम स्पेंड करता है, पूरा काम मेरे साथ करवाता है। और जब हम दोनों ने ये बात की कि 80 रुपीज़ रेट रखा है, कोई लोग खा सकते हैं और कोई नहीं खा सकता है, तो हम दोनों ने डिसीज़न लिया कि 80 रुपीज़ नहीं 60 रुपीज़ किया जाए, कि हर बंदा पूछ के खा सके, कोई ऐसा ना हो कि बिना खाए चला जाए। तो मेन मेरा ये काम करने का मकसद ही ये था कि ये जायका जो यहाँ मैं डोसा बनाती हूँ, यहाँ पर बहुत कम मिलेगा ये टेस्ट, क्योंकि हम लोग हैदराबाद से शिफ्ट होकर यहाँ आए हैं, तो पूरा हमारा जो टेस्ट है पूरा हैदराबादी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करो। तो ये दीदी हैदराबाद से शिफ्ट हो गए पंजाब में आए, तो जो हैदराबाद का ऑथेंटिक टेस्ट है वो पंजाबियों को सर्व कर रहे हैं और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में सर्व कर रहे हैं। इनका मानना है कि ये जो फूड बनाते हैं वो हर किसी की पहुँच में होना चाहिए, हर बंदा उसको खा सके, ये ना हो कि कोई इनसे पूछे और उसकी जेब में पैसे ना हो। तो इनका दिल बहुत दुखता है कि ऐसे कोई पूछ के चला जाए और पैसे की वजह से वो खा ना पाए। तो इन्होंने डोसे का प्राइस सिर्फ 60 रुपीज़ रखा। आप नॉर्मल से नॉर्मल शॉप पे चले जाओगे, 80 रुपीज़ का डोसा मिलेगा, 80 से अबव मिलेगा।
तो ये बात इनकी बड़ी अच्छी लगी, मैंने टेस्ट किया, टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक है, इनकी चटनी का, सांभर का, डोसे का बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगा। तो इनका बेटा अभी आया है तो उनसे भी बात करते हैं। बेटा इनकी पूरी तरह हेल्प करता है, मम्मा की 100% सपोर्ट करता है और साथ में स्टडी भी कर रहा है, तो दोनों चीज़ें मैनेज कर रहा है। कि बेटे को भी मैं बात करूँगा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनदीप सिंह है। ओके, तो मम्मा के साथ सपोर्ट भी कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो, दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं? हो जाती है। बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, पंजाब बोर्ड। डिफिकल्टी तो नहीं आती या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, कई बार मम्मा कहते हैं चल मेरे साथ, नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊँगा मैं तो। कभी कभी हो जाता है। हो जाता है, हो जाता है, मगर फिर भी हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। बड़ा बेटा मेरा शर्म फील करता है, वो यहाँ बहुत कम आता है। ओके, बहुत कम आता है, आता है मगर एकदम साइड में रहता है, वो सामने नहीं आता, मगर ये हमेशा मेरे साथ रहता है। हर टाइम मैं इसके साथ ही काम, हर काम बात करती हूँ, हर चीज़ का इसके साथ ही शेयर करती हूँ, किसी तरह की भी कोई बात हो, हर जगह मेरे साथ रहता है ये। तो ये बात भी बहुत अच्छी है जी, आपके पिलर की तरह पिलर बन। हाँ जी, अगर ये ना होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। क्या बात है, मैं यहाँ स्टैंड नहीं होती आज, इनके लिए कमा रही हूँ, मगर ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे बच्चे मेरे दोनों मेरे साथ हैं। तो बेटा इनका पिलर बन के इनके साथ खड़े हैं जी दोनों। तो दीदी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है जी, हमें देखा कैसे ये एक रोड पे ऊपर कार्ट लगा के काम करना और बड़ा ही मुश्किल होता है वो सिचुएशन को, पर ये वो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बड़ा बेटा डिग्री कर रहा है मेरा, BBA रियाद 12 में, बहुत खर्चा है उसका। बड़ा बेटा डिग्री कर रहा है और छोटा बेटा टेंथ में है। तो ऐसे लेडीज़ को मैं सल्यूट करता हूँ जी, तो इनके पास आके इनको सपोर्ट करो जितनी हो सकती है, इनका फूड खाओ, आप इनके पास फूड खा लो तो इनकी सपोर्ट हो जाएगी जी, आपको अच्छा लगे तो दोबारा आना। हम तो यही चाहते हैं कि ये जो छुपे हुए जो कार्ट हैं जिनके पास आपके नहीं पहुंच पाते, एक बार आप आके टेस्ट करें, बाकी इनका फूड टेस्ट करें, और वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कर देना।